अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर पीरजादा। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। अजी बिल्कुल, अगर बात की जाए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से तो इस टाइम मौजूद हूं यहां पे दुबई में, और हमारे साथ नवीद रजा साहब मौजूद हैं। इनकी बहुत अच्छी मूवी आ चुकी है जिसका दुबई में प्रीमियर भी था, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। नवीद भाई माशाल्लाह बड़े अच्छे एक्टर हैं आप, पाकिस्तान की शान है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा दुबई आके, और इस मूवी के हवाले से जो हमारी ऑडियंस है उनको कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम पाकिस्तान से अगर यहाँ आए, आप लोगों के लिए आए, आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग यहाँ काम करते हैं, आप लोग हमारे एम्बेसडर्स हैं। जब हम इस तरह से अच्छी फिल्म्स, अच्छी प्रोडक्ट लेके पाकिस्तान से यहाँ आते हैं और इस तरह से नॉइस क्रिएट करते हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तानी जो दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में रहते हैं, उनके लिए फ़खर का बाइस बनती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी फिल्म अगर आप बनाएं और लोगों को दिखाएं तो पाकिस्तानी सिनेमा प्रमोट होता है, और हमें पाकिस्तानी सिनेमा ओवरऑल वर्ल्ड में प्रमोट करके आगे बढ़ाना है। तो सर क्या समझते हैं ये जो मूवी है इस हवाले से जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उस पर कितना असरअंदाज होगी, और इसके अंदर बेसिकली आपने जो पैगाम दिया है वो क्या है? देखें, पहली बात तो ये कि एक प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई बस किसी मैसेज के लिए फिल्म बनाई है। एक जो बहुत ज़रूरी बात लोगों को बताने के लिए, वो ये है कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल दुनिया में कहीं पे भी, और आप दरख्त, जंगल, गांव, देहात ख़त्म करके लोगों को बसाने की कोशिश ना करें, किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। थैंक यू जी। नवीद रजा साहब का कहना है कि मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं, और इनका ये भी कहना है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी लाजमी मूवी देखें ताकि आपको इंटरटेनमेंट में मज़ीद इजाफा मिल सके। जी।